प्रतिभा सिंह ने क्यों बोला सड़कों की तबाही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का हाथ। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि बरसात हर वर्ष होती है मगर इस बार बरसात बहुत लंबी चली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाए गए फोर लेन का नुकसान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बहुत बड़ा हाथ है। सड़कों के लिए किए गए पहाड़ों की कटाई जो 90 डिग्री के ऊपर कटिंग की गई है वह सबसे बड़ा कारण बना है। अगर थोड़ी स्लांटिंग में कटिंग की गई होती तो शायद इतना नुकसान नेशनल हाईवे की फोर लाइन सड़कों को ना होता, इतने भूस्खलन ना होते। जमीन को जितने पानी की जरूरत थी जमीन ने अपना पानी ले लिया, उसके बाद पानी को ओवरफ्लो हुआ। सड़कों के लिए किए गए पहाड़ों की कटाई जो 90 डिग्री के ऊपर कटिंग की गई है वह सबसे बड़ा कारण बना है। अगर थोड़ी स्लांटिंग में कटिंग की गई होती तो शायद इतना नुकसान आज नेशनल हाईवे की फोर लाइन सड़कों को ना होता, इतने भूस्खलन ना होते। गौहर से अर्थ प्रकाश के लिए सुभाग सचदेवा की रिपोर्ट। एक जिक्र भी आप मणिपुर का नहीं कर रहे। हम मांग क्या रहे हैं आपसे, यही मांग रहे हैं कि आप आओ और मणिपुर के ऊपर जवाब दो। जब उन्होंने बोला ही नहीं तो सबने वॉकआउट किया, फिर जाके प्रधानमंत्री जी ने 2000 शब्द मणिपुर पे बोले। उसी तरह से मैं भी हिमाचल प्रदेश की बात उठाना चाहती थी कि हमारे इतनी बाढ़ आ गई, इतना नुकसान हो गया, पर ये मणिपुर इशू करके हमको टाइम नहीं मिला और हम बोल नहीं पाए। बजाय अब ऐसे वक्त में, पहले तो हम नाचन क्षेत्र का दौरा करके देखते थे भी किसको क्या चाहिए, किसको क्या, ऐसे उसको बांटते थे। पर अब हमें, मुझे ये एहसास हुआ कि बजाय ऐसे थोड़ा थोड़ा देने के, आई थिंक एक मुश्त में वो पैसा अनाउंस करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं नाचन के लिए भी एमपी लैंड से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने हमारी बात भी सुनी और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जहां जहां भी उनके अफसर है उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने उनको भी निर्देश दिए। जैसे मनाली में कोई अफसर उनका बैठा है या कुल्लू में बैठा है या मंडी में बैठा है, कॉन्फ्रेंस के तहत उनको जोड़ा और उन्होंने जो हमने आंकड़े दिए वो उनको बताए गए कितना नुकसान हुआ। बल्कि वो उन्होंने बड़ी हैरानी जताई कि इतना हमने हजारों करोड़ रुपया ये नेशनल हाईवे बनाने में लगाया, ये कैसे ऐसा नुकसान होगा। फिर हमने उनको अवगत कराया कि जी ऐसे ऐसे कुछ कुछ कारण रहे जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। आपके साथ मिलकर इस त्रासदी में ना कोई बीजेपी ना कोई कांग्रेस, हम एकजुट मानवता के आधार पर क्षेत्र में काम करते हैं। तो उनकी तरफ से भी इनके छुटपुट नेता हैं जो ये बात उठा रहे हैं कि आपकी एमपी कहाँ गई, आपकी एमपी कहाँ गई, आपकी एमपी ने जिसको आपने पार्लियामेंट का मेंबर बनाया, शी हैज टू अटेंड द पार्लियामेंट ऑल्सो। आई कांट बी सिटिंग हियर एंड वहां एब्सेंट लगाती रहूं। मैंने हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाना था इसलिए मेरा वहां जाना बहुत अनिवार्य था। जो मैं सोचती थी कि मैं पार्लियामेंट में इस बात को रखूंगी तो भारत सरकार के सामने ये बात आएगी, पर फिर भी अगर वो हमको मौका नहीं मिला बोलने का, हमने फिर भी लिखित रूप से गृह मंत्री को भी दिया है, प्रधानमंत्री को भी दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिया है और आपके नितिन गडकरी जी जो हमारे ये सड़कों के मिनिस्टर है उनको भी लिखित तौर से दिया है। और उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे कहा, विक्रमादित्य भी थे और उन्होंने ये कहा उस मीटिंग में कि मैं जल्दी हिमाचल प्रदेश आऊंगा और दौरा करूंगा। और वो मनाली गए, उन्होंने वहां पर दौरा भी किया, उनके साथ जयराम जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने जो निरीक्षण किया और अपने विभाग को आदेश दिया कि इतना नुकसान हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी हमें सड़कें बनानी है। मंडी में देखिए, मंडी में भी जगह जगह इस तरीके का नुकसान हुआ। हमारे नेशनल हाईवे टूट के बह के चले गए हैं, जो कभी सोच नहीं सकता था आदमी कि इतना अच्छा नेशनल हाईवे का काम हुआ था, फोर लेन हुआ था और उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। मैं समझती हूँ कि ये फोर लेन का जो इन्होंने काम किया है, पहाड़ में एक स्लांट होता है, एक स्लांट होना चाहिए, एक सर्टन डिग्री में वो पहाड़ कटना चाहिए, बट उन्होंने इस बात को अनदेखा किया और एक 90 डिग्री के एंगल में वो सारे पहाड़ काट दिए। अब जब बारिश आएगी वो पानी कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा, उसके ऊपर भी मकान थे, घर थे, रिहायश थी, उन लोगों को भी उसने इफेक्ट किया, उनके भी लोग सारे मकान ढह गए और जो उन्होंने दंगे दिए मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा हुआ। जितना भी वो मिट्टी और मलबा उन पहाड़ों का आया वो सड़कों का भी नुकसान हुआ है और ये नेशनल हाईवे का भी उससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। दूसरा कारण जो हमने कुल्लू का भी दौरा किया, मंडी का भी दौरा किया, एक इनके क्षेत्र में सराज क्षेत्र में जहां हम गए वहां पर
नदी ने रास्ता बदल दिया, वो नदी एक पोर्शन से बह रही थी, वो बहते बहते दूसरे जगह को उसने रास्ता पकड़ लिया। उसका कारण जब जानने के लिए हम लोगों के बीच खड़े हुए तो लोगों ने कहा कि ये लोग यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं। लोग यहाँ से बरसात आती थी, जुलाई और अगस्त में अच्छी बरसात पड़ने से लोगों की फसल भी अच्छी होती थी, लोगों की क्रॉप्स भी अच्छे होते थे। पर इस बार हमें लगा कि जो बारिश इन मौसम में या इन महीनों में होनी चाहिए थी वो दिसंबर के महीने से शुरू हुई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वो बारिश निरंतर चली रही और इतना पानी जमीन में हो गया कि वो उसको पचा नहीं पाई। अब जितना भूमि को चाहिए था वो तो उसने भूमि ने ले लिया, पर जो एक्स्ट्रा वाटर था वो कहीं ना कहीं बाहर बह के निकला, जिसकी वजह से ये त्रासदी हुई। इसके कई कारण है, चाहे आप सड़कें बना रहे हैं, आप उसमें नाली नहीं छोड़ रहे पानी के लिए, वो सारी ब्लॉक पड़ी है, तो पानी जब ओवरफ्लो करेगा तो सड़क पे ही बहेगा, सड़क से बहेगा तो डंगे गिरेंगे तो नीचे जो बस्ती है, जो जहाँ गांव में लोग रहते हैं, उसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से इस बार की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो ये त्रासदी हुई है, हरेक कोने को इसने हिट किया है, हरेक राज्य को इसने हिट किया है, हरेक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कहीं तो कितने लोग मर गए और कितने उसमें दब के मर गए, और कितनों को ये आभास भी नहीं था कि कोई बादल फटेगा, और बादल फटने से एकदम वो नाले का रूप लेकर सड़कों में पहुंच जाएगा, और जो अगल बगल में उसके सामने कोई बिल्डिंग आ गई, मंदिर आ गया, लोग आ गए, जानवर आ गए, वो सब उस नाले में इतना फोर्स था कि उसको बहाती ले चली गई वो। हमने ऐसा कहीं कहीं देखा जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। हमारे शिमला में एक शिव मंदिर था जहाँ लोग पूजा अर्चना करने जा रहे थे कि जी ये सावन का सोमवार है, इसलिए वो पूजा करने सुबह 7 बजे निकल गया था। उन्हें क्या पता था कि वो मंदिर में जाके वो उनका अंतिम दर्शन होगा और वो सारा का सारा मंदिर कोलैप्स कर गया, और उसमें भी कम से कम मेरा ख्याल 23-24 लोग मर गए। और हमारी जो पुलिस फोर्स थी, CRP फोर्स थी, मिलिट्री फोर्स थी, सभी ने वहां पर जाकर उस त्रासदी में काम किया, और उन लोगों की बॉडीज जो लोग चाह रहे थे कि रिट्रीव करके हमको बॉडीज मिले, तो वो उन्होंने काम किया, जिसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उस वक्त भी रेत उठा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब जब पानी बहेगा तो कहीं ना कहीं उसको जहाँ डूंगी जगह मिलेगी, जहाँ खाली जगह मिलेगी वो पानी वहां पर आएगा। तो इसी तरह से उसने अपना रास्ता बदला और सड़क के साथ साथ का जो पोर्शन खाली हो गया था उसमें उसने डैमेज किया, और नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे क्षतिग्रस्त हुए। मैं मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप इलेक्शन के वक्त में भी आए, आप मंडी भी आए, आप कुल्लू भी आए, आप शिमला भी आए, और हर मीटिंग में आपने जनसभा के सामने ये कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। हिमाचल प्रदेश की उन्होंने भौगोलिक स्थिति का परिचय दिया, कितने सुंदर पहाड़ है, इतनी सुंदर बस्तियां हैं, इतना सुंदर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के व्यंजनों की उन्होंने तारीफ की, चाहे सेपू बड़ी की बात की, चाहे बदाना की बात की, और फिर अंत में ये कहा कि दूसरा हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। हमें बहुत आशा थी कि जब ऐसा हुआ तो आप अपने घर को देखेंगे, चलो दूसरा ही घर सही, पर दूसरा घर आपका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।